हाय दोस्तों, 1 BHK का प्रॉपर्टी है ये जिसका मैं आज बात करने वाला हूँ। रीसेल की प्रॉपर्टी है ये। इस पूरे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। मैं विकास भरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिलर एंड प्रॉपर्टी डीलर मीरा रोड मुंबई से स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा में। दोस्तों, ये 1 BHK की प्रॉपर्टी जो मैं दिखाऊंगा, साथ ही साथ में सारा कॉन्फ़िगरेशन, सारा डिटेल मैं ड्यूरिंग वीडियो में ही आपको बता दूंगा। ये कितने स्क्वायर फुट का फ्लैट है, क्या इसकी प्राइस है, कितने इसका सुपर बिल्डअप एरिया कितना है, बिल्डिंग कितने माले की है, क्या एलिवेशन है, कितने प्राइस है, सब कुछ मैं बात करूंगा। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में बने रहिए। वीडियो फ्लैट का फोटो और वीडियो एलिवेशन खत्म होने के बाद फिर मैं बात करूंगा कि और भी हमारी क्या क्या सर्विसेज है। ये ड्यूरिंग एंड तक आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। इस पूरे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। आइए फोटो और वीडियो देखते हैं, फिर मैं बाद में सर्विसेज की बात करूंगा आपसे। विनस्टोन प्रोजेक्ट का नाम है और मेन रोड पे ही प्रोजेक्ट है ये फ्रेंड, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। अभी जो मैं फ्लैट आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये 1 BHK की प्रॉपर्टी है। वैसे तो इसमें 1 BHK, 2 BHK भी प्रॉपर्टी है, कई 7 से 8 फ्लैट बेचने के लिए है इसमें। अगर आपको 2 BHK भी चाहिए तो भी आप हमें कॉल करें, हम उसमें भी हेल्प करेंगे आपको प्रॉपर्टी दिलाने में। ये एंट्रेंस लॉबी है इसका, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया है बिल्डर ने। 2 हाई स्पीड लिफ्ट है, 2 स्टेयरकेस है इसमें। बिकॉज जब तक 2 स्टेयरकेस होता नहीं है, 2 हाई स्पीड लिफ्ट होती नहीं है, जनरली 7 माले के ऊपर की बिल्डिंग जो होती है उसमें जब तक ये 2-2 ऑप्शंस नहीं होते तब तक गवर्नमेंट OC देता नहीं है, तो आजकल ये कंपलसरी हो गया है। और 13 माले की बिल्डिंग है ये, 13th story टावर है ये। इसका 1st staircase है, इसके बाद हम इसका 2nd staircase देखेंगे दोस्तों। 7 से 8 मिनट का दूरी है यहाँ से। आप अगर व्हीकल से ट्रैवल करते हैं तो 5 मिनट में आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पहुंच जाते हैं। यहां से स्टेशन और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे दोनों ही इक्वल है। इसका प्राइस मैं आपको ये दिखा रहा हूं। अभी हम फ्लैट देखेंगे दोस्तों। बहुत ही ब्यूटीफुल इंटीरियर किया है इन्होंने, आप देख सकते हैं। ये इसका सेफ्टी डोर है और आगे हम देखेंगे। करीबन 12 से 15 लाख रुपये तक इन्होंने इंटीरियर में एक्सपेंस किया है, इंटीरियर में खर्च किया है। अंदर जैसे जैसे हम फ्लैट देखेंगे आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। लगभग 430 स्क्वायर फुट इसका कारपेट एरिया है 1 BHK का। सारा इन्होंने टीवी यूनिट, स्पीकर और सब कुछ इन्होंने लगाया है। HDs ये छोड़ के जाने वाले हैं, फुली फर्निश्ड ऐसे ही आपको ये छोड़ के जाने वाले हैं। इनका कुछ भी फर्नीचर ये लेके नहीं जाएंगे। और मैं आपको फ्लैट कॉस्ट की बात करूँ, इसकी फ़्लैट की प्राइस 67,50,000 है। ये नेगोशिएबल प्राइस है, आप आइए, जितना भी बेहतरीन प्राइस होगा मैं करा के दूंगा आपको। रीसेल की प्रॉपर्टी है ये। बिल्डिंग का एज की बात करूं तो ये 3 साल के अंदर की बिल्डिंग है। अभी अभी बिल्डिंग का पोजीशन हुआ है 1-1.5 साल पहले और नई बिल्डिंग है ये। इसमें काफ़ी कुछ बढ़िया एमिनिटीज़ भी दिया है बिल्डर ने। धीरे धीरे जैसे जैसे हम वीडियो में बढ़ते जाएंगे सब कुछ देखते जाएंगे दोस्तों। अभी हम ये लिविंग डाइनिंग एरिया देख रहे हैं। मैं आपको अपना कैमरा घुमा के टीवी यूनिट दिखा रहा हूँ। सामने सोफ़ा सिटिंग एरिया है और इस तरफ इसका डाइनिंग एरिया है। आगे हम देखेंगे फ्लैट में इंटीरियर आगे का कैसा है। फर्स्ट लिविंग डाइनिंग से अंदर जाते ही फर्स्ट राइट हैंड साइड पे इनका कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम में इन्होंने बिल्डर का जो भी टाइल्स वगैरह था वो निकाल के इन्होंने अपने हिसाब से काम किया है। इसका सारा ब्रांडेड एसेसरीज बिल्डर ने भी दिया ही था, बाकी और भी इन्होंने अपने तरीके से काम किया है। किचन में भी देखें, अपर कैबिनेट्स, लोअर कैबिनेट्स, मॉड्यूलर किचन, ये सारा कुछ इन्होंने बना के लिया है। सब HDs छोड़ के जाने वाले हैं। गैस पाइपलाइन इसमें आ चुका है और BMC वाटर भी रिसीव हो चुका है इसमें। ऊपर भी कैबिनेट सारा बना के लिया है इन्होंने। किचन के बाहर के साइड देखें तो ड्राई बालकनी दिया हुआ है जिसमें वॉशिंग मशीन है, और एक्स्ट्रा स्पेस भी, एक्स्ट्रा कवर्ड एरिया बनाया हुआ है जिसमें एक्स्ट्रा लगेज आप स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। किचन का बालकनी है ये। इसके बाद धीरे धीरे हम देखेंगे पूरा फ्लैट। ये ऊपर इन्होंने कपड़े सुखाने का अरेंज किया है, कुछ डोरी वगैरह का, और आगे आगे हम देखते जाएंगे फ्लैट किस टाइप का ये बनाया हुआ है इन्होंने। चारा देख रहे हैं। किचन में एंटर करते ही फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रिज का स्पेस दिया था बिल्डर ने, वहाँ पे इन्होंने डबल डोर का फ्रिज रखा है। अब आगे देखते हैं ये
और क्या मास्टर बेडरूम किस टाइप का है। इसमें मास्टर बेडरूम के साथ साथ एक ड्राई एरिया था जिसमें इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली हाफ बेडरूम के जैसा इन्होंने डेवलप किया है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको। ये इसका मास्टर बेडरूम का डिज़ाइन है, इन्होंने सारा कुछ बना के लिया है, बेड बना के लिया है, सामने वार्डरोब बना के लिया है, टीवी यूनिट बना के लिया है इन्होंने। और बेडरूम की ये बड़ी बालकनी है, ये बालकनी से आप देख सकते हैं अंदर का। ये एल टाइप की कॉर्नर बालकनी है, इन्होंने सामने फ्रंट में टाइल्स वगैरह डेवलप लगाया है और बैक साइड में प्लांटिंग के लिए जगह रखा है। एसी का आउटडोर यूनिट रखा है इन्होंने। और नीचे की तरफ देखें तो पूरा बीच का पार्किंग, किड्स प्ले एरिया, टर्फ, इस सोसाइटी में ही एक बड़ा टर्फ दिया हुआ है जहाँ आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं टर्फ के अंदर। और ये सोसाइटी का ही है, पर्सनल है, प्राइवेट टर्फ है ये। और ये एल टाइप की इसकी बड़ी बालकनी है जो बेडरूम का है। और ये आप देख सकते हैं सामने इन्होंने वार्डरोब बनाया हुआ है, इसमें भी बहुत ब्यूटीफुली काम किया है फॉल सीलिंग का। और ये इसका मिरर है, मिरर इन्होंने अलग से बनाया है। अभी हम मास्टर बेडरूम का वॉशरूम देखते हैं। मास्टर बेडरूम का वॉशरूम तो है ही, वॉशरूम से अटैच्ड एक इसका ड्राई बालकनी है, वो हम अभी देखेंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका दरवाज़ा आप जैसे खोलते हैं तो अंदर एक ड्राई बालकनी एरिया था जहाँ इन्होंने एसी और वार्डरोब लगा के स्टडी टेबल के जैसा इन्होंने बनाया है। बहुत ही खूबसूरत एक हाफ बेडरूम के जैसा जगह आपको यहाँ पे मिल जाता है स्टडी करने के लिए, पीसफुली एरिया है ये। इसके बाद ये फ्लैट देखने के बाद हम दोस्तों देखेंगे, इसमें इन्होंने गार्डन दिया है, पार्किंग दिया है, ओपन पार्किंग एरिया है, स्टील कवर्ड पार्किंग एरिया है, तो वो सब भी हम देखेंगे। इसमें एमिनिटीज़ की बात करूं तो ये पूरे फ्लैट का व्यू है अंदर के साइड से। ये सामने आप देख सकते हैं टीवी यूनिट में आते हुए आपको दिखा रहा हूं। इस टाइप के दोस्तों 2 BHK, 1 BHK रीसेल में, 3 BHK भी, 4 BHK भी हमारे पास, 2 BHK जोड़ी, 1 BHK 1 BHK जोड़ी भी है हमारे पास रीसेल और रेंट के लिए। ये इसका गार्डन का एम्फीथिएटर एरिया है और बिल्डिंग का बैक साइड से एलिवेशन है। ये पूरा इसका गार्डन है इसी बिल्डिंग का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे वाटर शावर आने वाला है और ये पूरा बच्चों को खेलने के लिए दिया हुआ है। और ये अलग से एक बच्चों को खेलने के लिए और सीनियर सिटीजन के सिटिंग एरिया दिया हुआ है ये, जहाँ पर सीनियर सिटीजन बैठ के अपने हिसाब से टाइम पास कर सकते हैं आराम से। और ये इसका ओपन पार्किंग एरिया है। और इस तरफ आप देखें तो ये स्टिल्ट पार्किंग एरिया है, ये मैं आपको चारों तरफ से घूम के दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको सेंटर में लेके चलता हूँ कि तीन साइड से बिल्डिंग है और बीच में जो स्पेस है वहाँ पे इन्होंने किड्स प्ले एरिया और टर्फ दिया है। ये आप देख सकते हैं ये किड्स प्ले एरिया है इसका। और तीनों साइड से सी टाइप में ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, आपको 13-story टावर है ये। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इसमें जो कनेक्टिविटी है GCC क्लब यहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पे है, नेक्स्ट टू वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट, यहाँ से रिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड, 15 नंबर बस स्टॉप, यहाँ से हार्डली 5 मिनट में आप पहुँच जाते हैं। सिनेमैक्स, रसाज मॉल, ठाकुर मॉल भी यहाँ से 5 से 10 मिनट में आप रीच कर सकते हैं। 10 मिनट का डिस्टेंस यहाँ से डीमार्ट का है, ब्रांड फैक्ट्री का है। और 45 मिनट का डिस्टेंस आपको, 45 मिनट के डिस्टेंस में आप गोराई बीच, ग्लोबल विपासना, पेगोड़ा, पाली बीच रिसोर्ट, SL वर्ल्ड, बेलंकनी बीच एंड, ये सब आप 45 मिनट के अंदर ही रीच कर जाते हैं दोस्तों। आगे सारा डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
अगर आपको ये सब नए और फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन व्हाट्सअप पे चाहिए तो हमारा नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है ऑफिस का 8070807099। ये दोनों नंबर हमारे व्हाट्सअप पे है, आप हमारे व्हाट्सअप इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, आपका नाम, नंबर, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट, ये सब हमें आप पिंग कर दें। जब भी हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी आती है महीने, दो महीने, चार महीने में, तो हम आपको व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट के जरिए शेयर कर देंगे और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा व्हाट्सअप पे और जल्द से जल्द आप डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों आप व्हाट्सअप पे हमें पिंग भी कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों और कुछ नई प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं लेके आऊँगा इसी हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा में। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त हमारे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।